टी न्यूज सिर्फ सच। सूचना दल के राष्ट्रीय सचिव प्रतापगढ़ सदर सीट से विधायक पंगम लाल गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक को शुक्रवार को मोबाइल पर संदेश भेजकर यह धमकी दी गई। विधायक पंगम लाल का कहना था कि उन्होंने जब उस नंबर पर कॉल किया जिससे धमकी भरा मैसेज आया था तो पहले तो फोन उठाने, कई प्रयास के बाद फोन उठा तो सामने वाले शख्स ने कहा कि अब तुम गए। विधायक संगम लाल गुप्ता ने मोबाइल पर बात की। उनके फोन काटने के तुरंत बाद दोबारा उनके नंबर पर हत्या की धमकी का मैसेज आया। दुस्साहसी बदमाश ने मोबाइल पर बात करते समय जो धमकी दी उसी बात को उसने वापस लिखकर भेजा। फोन मैसेज दिया है दीवार मैसेज आया अभी तो मतलब कुछ नहीं, 9 बजे एक मैसेज आया मेरे नाम से मेरे मोबाइल पे, हमने देखा नहीं तो मेरे आदमी ने देखा तो उसके बाद मेरे को उसने बताया कोई होगा कर दिया होगा मस्ती से, तो मैंने उसको फोन किया और फोन करने के बाद उसको कई बार फोन करने के बाद उठाया नहीं, उसके बाद फोन उठाया, फोन उठाने के बाद बोलता है क्या तो हमको जानने के लिए फोन किया है तो मार दूंगा, फिर उसने वापस मैसेज भेजा। अच्छा तो ये क्या प्रतापगढ़ का है कि मुंबई का है? नहीं नहीं नंबर तो नहीं क्या दिख रहा है ना। अच्छा नहीं, जो भी बंदा है आप उसे जानते नहीं है ना? नहीं नहीं हम कैसे जानते हैं, अरे हम तो उसको जानने के लिए फोन किया। अच्छा मैं सदर विधायक बोल रहा हूँ, विधायक बोल रहा है क्या बोल रहा है मैं तेरे को बात कर रहा हूँ। हाँ अरे मैसेज ही दिया, मैसेज भी वैसे ही है ना। अच्छा क्या लिखा है मैसेज में? चंदन लाल गुप्ता तेरा काम खत्म। संगम लाल गुप्ता मुंबई से उद्योगपति है, वो भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल वे अपना दल के राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रतापगढ़ सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़कर संगम पहली बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल अपना दल विधायक को जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर पुलिस ने हड़कंप मच दिया। विधायक ने एसएसपी लखनऊ को इस मामले में लिखित शिकायत दी है। पुलिस साथ में विधायक से जरूरी जानकारी जुटाने के बाद धमकी देने वाले का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस अधिकारी वैसे इसे किसी सिरफिरे की करतूत मान रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का नामांकन शुरू हुए 5 दिन बीत जाने के बावजूद गिनती के ही पर्चे दाखिल हो सके हैं। इनके पीछे एक वजह प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी की सूची जारी न करना रही है, साथ ही अच्छा मुहूर्त न होने से भी बड़ा फर्क पड़ा। ज्योतिषियों का कहना था कि नामांकन शुरू होने के दिन से गुरुवार तक कंचक लगा था, शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक बढ़ थी, इसलिए प्रत्याशियों को मन मुताबिक बेहतर मुहूर्त नहीं मिल पा रहा था। शनिवार से दिन बदल जाएंगे इसलिए नामांकन में तेजी आएगी। खैर इस बीच सभी प्रमुख दलों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर देने से भी नामांकन में तेजी आने के आसार बढ़ गए हैं। नगर निकाय चुनाव में अंततः भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसमें चेयरमैन और सदस्यों के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष पद के काफले अभी अटके हैं। कांग्रेस ने जिसमें बचे हुए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। प्रतापगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस ने ओमला जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर सपा ने रानीगंज में अपना चेयरमैन प्रत्याशी बदल दिया है। नगर निकाय चुनाव में शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए 14 लोगों ने नामांकन किया। वार्ड सदस्यों के लिए कुल 82 नामांकन हुए। वैसे नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान चेयरमैन हरिप्रताप सिंह की पत्नी हेमलता सिंह, भाजपा से जुड़ी गीता मिश्र और प्रियंका आदि ने पर्चे लिए। शुक्रवार की सुबह लगभग 5 बजे दौड़ लगाने गए मानधाता के अंतपुर गांव निवासी रवि और आदर्श के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसमें रवि को चाकू मार दिया, चाकू पेट में लगा, फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है।
दूसरे पक्ष ने भी मारपीट की तहरीर दी है। रानीगंज थाना क्षेत्र के देवासा गांव निवासी अनिल कुमार यादव अपने चाचा के साथ दिन में 3:30 बजे रानीगंज आया। वह पंजाब नेशनल बैंक के ATM से पैसा निकाल रहा था। इस बीच एक शातिर पहुंचा और उसके ATM से 14,000 रुपये निकाल कर भागने लगा। अनिल ने उसे दौड़ा लिया, इस तरह वह बाइक छोड़कर तहसील परिसर में भागा। इस बीच अधिवक्ताओं और SO ने दौड़ा कर शातिर को दबोच लिया, जबकि दूसरा साथी भागने में सफल रहा। सांगीपुर थाना क्षेत्र के वीर शाहपुर गांव में गुरुवार की रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने परिसर सवार 2 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक बरामद की है। पकड़े गए विकास गिरी और रतन लाल बाइक का नंबर प्लेट बदल कर उसे बेच देते थे। आप अपने मोबाइल पर फ्री में चलाइए TV और देखिए दिन भर की बड़ी खबरें। पी न्यूज सिर्फ सच सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध करा रहा है न्यूज बुलेटिन। न किसी वेबसाइट पर जाने की झंझट, न लिंक ओपन करने की जरूरत। सीधे अपने मोबाइल पर देखें अपने जिले का दिन भर का हाल। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और अपने मोबाइल में सेव करिए 9140255835। अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और फिर ले मोबाइल पर दिन भर की खबरों का हाल।